आजमगढ़ में देर रात गुजरात पुलिस के मूवमेंट से हड़कंप मच गया। गुजरात पुलिस प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे मौलाना शाहिद बद्र को गिरफ्तार करने आई थी। मामला 18 साल पुराना है। शाहिद बद्र पर गुजरात में देशद्रोह और सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी आरोप में जारी वारंट के मामले में उसे उसके क्लिनिक से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद शाहिद बद्र के समर्थकों ने गुजरात पुलिस को रोकने का प्रयास किया, लेकिन भारी संख्या में पहुंची पुलिस फोर्स भद्र को लेकर नगर कोतवाली पहुंची, जहां उसके समर्थक और वकील ने ट्रांजिट रिमांड के बाद ही गुजरात लेकर जाने की मांग की। मैं कोतवाली आया हूं तो यहां गुजरात भुज कच्छ से एक इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि वारंट है इनके ऊपर 353 और 143 आईपीसी का। ये वारंट जारी है अक्टूबर सन 2012 का। कानून इस वारंट पे ले नहीं जा सकते, ये इनफेक्टिव हो चुका है। और ये सीधे कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे वहाँ गुजरात। मैंने कहा नहीं, पहले यहाँ के मजिस्ट्रेट से रिमांड ट्रांजिट रिमांड बनने के बाद ही ले जा सकते हैं। क्या आरोप लग रहा है क्या? ये कभी बता रहे केस है, कभी केस वो 2001 का कोई केस है और इसमें वारंट था 2012 का, इसी में बता रहे हैं कि ये हम इनको अरेस्ट करेंगे। ये पुराना मामला है, 2001 का है, वो देशद्रोह की है। जी, जबकि ऐसा कोई देशद्रोह का काम इन लोगों ने किया नहीं है, कि अब किसी तरह का कोई देशद्रोही काम नहीं किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि सीजेएम भुज के यहां से वारंट जारी हुआ था, उसी क्रम में गुजरात पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। साथ ही बद्र के ऊपर कई दूसरे मामले दर्ज हैं, जिनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुके हैं। बद्र पुत्र बद्री आलम मनचोवा आजमगढ़ के निवासी हैं। इनको गुजरात पुलिस द्वारा एक वारंट सीजेएम भुज के यहाँ से जो वारंट है संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 68/1 अंतर्गत धारा 353 143 आईपीसी के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनको यहाँ गिरफ्तारी के बाद जो विधिक प्रक्रिया है ट्रांजिट रिमांड पर इनको गुजरात को संबंधित कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये भी महत्वपूर्ण है कि इनके ऊपर और भी मुकदमे थे जिनपे से ये कई मुकदमों में बरी हो गए हैं और कुछ मुकदमों में अभी भी अंडर ट्रायल है। थैंक यू। ये जो मुकदमा है उसमें जो कोर्ट संबंधित कोर्ट का जो वारंट है उसके तहत गिरफ्तार किया गया है। ये कोर्ट में नियर डेट पर नहीं गए होंगे जिसलिए कोर्ट ने वारंट जारी किया है, इसी पर गुजरात पुलिस द्वारा यहाँ से अरेस्ट किया गया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिमी के प्रेसिडेंट भी थे और सिमी एक ऐसा संगठन है जिसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनके ऊपर जो पुराने मुकदमे हैं उसमें जारी वारंट के तहत इनको गिरफ्तार किया गया है। बशीर बद्र शहर कोतवाली के मनचोभा गांव के रहने वाले हैं। शाम को जब क्लिनिक बंद कर रहे थे तभी गुजरात पुलिस वहां पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बद्र पर साल 2001 में कच्छ जिले के भुज थाने में देशद्रोह और सरकारी कार्य में बाधा डालने का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में बद्र के ऊपर कोर्ट में पेश न होने पर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। साथ ही बद्र दिल्ली में 4, बहराइच में 1 और गोरखपुर आजमगढ़ में एक एक मुकदमों में वांछित हैं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। इसके साथ ही बद्र दिल्ली में 4, बहराइच में 1 और गोरखपुर आजमगढ़ में एक एक मुकदमों में वांछित है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शाहिद बद्र की हिस्ट्री शीट खोल दी है। आजमगढ़ से कुमार पितेश्वर की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।